So basically, today we will discuss several things. I'm going to show you some videos जिसे थ्रू असी सीखांगे. फर्स्ट असी डिस्कस करांगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मोस्टली की हुंदा है कि सानू पता नहीं लगदा कि ऑन किथे लगाना है, ऑफ किथे लगाना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट नाउ. जस्ट ए लास्ट कंफर्मेशन, इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरी वन? सबनों सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू. अगर वीडियो दी आवाज ना आई, लेट मी नो एंड देन, बट इट विल कम. लेट मी चेक. Prepositions of place. Above the box. Below the box. So जिस तरह बॉल दी एग्जाम्पल दिती गई कि बॉक्स से ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਬਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਬਵ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬਾਕਸ ਕਵਾਂਗੇ. ਅਬਵ ਦਾ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. On the box, under the box. So again, on the box, box ke upar rakhi hai, aur box se niche jehdi cheez hai, that is under the box. In front of the box. Behind the box. Next to the box. In the box. So the main difference here is box the under hai ta in the box. Box the अगले हिस्से ते है द नेक्स्ट टू द बॉक्स. बिटवीन द बॉक्सेस अमंग द बॉक्सेस. सो नाउ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट बेसिकली गेट कंफ्यूज्ड कि बिटवीन किथे लगाइए, अमंग किथे लगाइए. सो बिटवीन द बॉक्सेस अगर दो चीजा है तो बिटवीन लगावांगे, बिटवीन द बॉक्सेस कि दोनों साइड ते कुछ है. अगर बहुत सारे या फिर तुसी एग्जांपल लाओ, दो स्टूडेंट साइड ते खड़े हैं, यू कैन से आई एम स्टैंडिंग बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स. अगर तुसी एक क्राउड नू दर्शाना है, एक झुंड नू दर्शाना है, तो तुसी अमंग यूज करोगे, बिटवीन नहीं कहोगे कि आई एम नॉट बिटवीन द क्राउड, आई एम स्टैंडिंग अमंग द क्राउड. सो अमंग यूज होएगा जो दो चीजें बहुत सारियां हो जाएंगी. Near the box, far from the box, so place of preposition or preposition of place, the पता होना बहुत जरूरी है.
ऊपर केड़ी चीज है दैट इज अबव द बॉक्स, बिलो केड़ी चीज है दैट इज नीचे, केड़ी है दैट इज बिलो, केड़ी चीज ऊपर रखी गई है दैट इज ऑन द बॉक्स, अंडर द टेबल, अंडर द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द बॉक्स, नेक्स्ट टू द कार और नेक्स्ट टू द बॉक्स, इन द बॉक्स, बिटवीन द बॉक्सेस, अमंग द बॉक्सेस, नियर द बॉक्स, फार फ्रॉम द बॉक्स. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच स्टेट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. Prepositions of movement. Onto the box. Off the box. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसनों फिर किदा डिस्क्राइब करांगे, जिदा बॉक्स दे ऊपर दी आपा बॉल सिट रहे हाँ या उसनों ओदे ऊपर दी कर रहे हैं तो दैट इज ऑफ द बॉक्स. Under the box. Over the box. सो कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट दे ऊपर दी होके चली जाती, चाहे नीचे गिरती है दूर गिरती है, उस चीज तो ऊपर दी निकल जाती है, दैट इज ओवर द बॉक्स और ओवर द ऑब्जेक्ट. Away from the box. Toward the box. Toward the box means कि उस दे तरफ आ रही है आना. और अगर अपा यही टूवर्ड कई जगह यूज होता है, जिदा मैं लुधियाने जा रहा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स लुधियाना, ठीक है. सो कोई चीज किसे वाल जा रही है, ऐसी किसे वाल जा रहे हैं, कोई किसे चीज वाल अप्रोच कर रही है, दैट इज टूवर्ड. आई वुड हाईली रिकमेंड एवरी वन कि तुसी जरूर ये चीजा लिखो, ये लिखन वाली प्रोपोजिशन ने जिड़ी कि तुसी तुहानू याद रहेगा, तुसी रिवाइव कर सको रख सकोगे. सो मस्ट राइट ईच एंड एवरी थिंग. पास्ट द बॉक्स. नाउ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ थ्रू. थ्रू मीन्स किसी चीज से होके गुजरना. थ्रू द ट्यूब, ट्यूब दे विचो बॉल निकल रही सी या इस चो निकल के आई, सो दैट इज थ्रू द ट्यूब. कोई भी चीज किसी चो गुजर के आएगी तो असी थ्रू यूज कर सकते हैं. Up the stairs.
down the stairs. Out of the box. Now, sometimes बहुत बार इंटरव्यूज दे विच क्वेश्चन आंदा है कि हाउ यू नीड टू थिंक. सो आंसर की होंदा वन शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि अपने दायरे तो बाहर निकल के सोचना चाहिदा है. सो आउट ऑफ द बॉक्स इज अ काइंड ऑफ थिंक, कि जिहड़ी चीज अपने दायरे तो बाहर निकल जाती है. सो थिंकिंग किदां दी होनी चाहिए, इट शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट लिमिटेड, इट शुड बी वास्ट. सो अगर कोई चीज छोटे जे दायरे विचों बाहर आ रही है, ज इस बॉक्स की एग्जाम्पल लईए कि बॉल द फुटबॉल इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो इस तरह की एग्जाम्पल दे विच असी आउट ऑफ यूज कर सकते हैं. Into the box. So opposite of out of, into. So into basically बहुत जगह ते यूज होंदा है. हर कार रैम्ड इनटू द पिलर, कि उसकी कार पिलर दे विच टकरा गई या चकना चूर हो गई. सो इनटू मीन्स किसी चीज दे अंदर लग जाना, किसी चीज दे अंदर चले जाना. सो दैट इज इनटू. Around the box. So, किसी ऑब्जेक्ट दे आले दुआले जिहड़ी चीज घूमे, मान लो तुसी अगर अपनी सिटी दे आले दुआले चक्कर लगा रहे हो, I'm roaming around my city. So, around word असी यूज करांगे. Around the box. Along the road. हुण कोई चीज नाल नाल जा रही है, मान लो कोई रिवर है जो सड़क दे नाल नाल जा रही है, आपां कहांगे द रिवर इज फ्लोइंग अलोंग द रोड, और द रोड इज यू नो बिसाइड्स और अलोंग द रिवर. सो अलोंग मीन्स कि जिहड़ी चीज साइमल्टेनियसली नाल नाल चल रही है. Across the road. So across the example बहुत अच्छी है. She swims across the river. क्यों? River पार कर गई, right? और पार कर गई. So सारी example इतने विच देती है. On the box, off the box, under the box, over the box, around the box, away from the box, towards the box, past the box, through the box, up the street, down the street, out of box, into the box, along the road, across the road. Any doubt in this? Just five confirmation. Sir, what is the meaning of onto the box? Sorry, pardon? Sir, what is the meaning of onto the box? Onto the box. देखो कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट दे ऊपर, जे तुसी नीचे फुटबॉल मान लो बॉक्स है तो टेबल ते पे है, तुसी इधर फुटबॉल उछाल दे हो तो ओ दे ऊपर दी होके गुजर जांदी, दैट इज ऑन टू द बॉक्स. अगर ऊपर दी तरफ जांदी, अगर ओही बॉल नीचे दी तरफ जाएगी, दैट इज ऑफ द बॉक्स. मान लो तुसी नीचे बॉल सिटी और बॉक्स दे ऊपर जाके टिक जांदी है, दैट इज ऑन टू द बॉक्स. बट ओही बॉल जदों
फॉल करके नीचे आएगी, वो ऑफ द बॉक्स हो जाएगी. सो दिस इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग द पोजिशन. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. वेलकम. Prepositions of place. Above the dog. Below the cat. In front of the fireplace. Behind the chair. Next to the boy. In the drawer. On the rug. So many students feel confused in and on. So in the example, in the house, बहुत अच्छी example in देती है, in the drawer, on the rug. On जिदे means ऊपर, in means inside. Between the cats. On top of the table. Under the desk. नाउ कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते अंडर और इन दे विच. सो किसे टेबल या ऑब्जेक्ट दे अगर अंदर हाँ तो अंडर होएगा, इन द डेस्क नहीं लगा सकते, इन द टेबल नहीं लगावांगे. सो अगर घर है, चारे डायमेंशंस ने कवर्ड है रूफ के नाल, सारिया साइड कवर्स ने, दैट इज इनसाइड. बट जिहड़ी चीज ओपन है और ऑब्जेक्ट है, दैट इज अंडर. सो हेयर इट्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, कैट इज on the top of the table. Here the dog is sitting under the table. So any doubt, just need 4 or 5 confirmations in place, preposition of place. So the past, no, sir. प्लीज वो बता दो. नो सर. नो सर. सर ओके. आई हैव अ डाउट. यस प्लीज. सर इससे पहले हुआ था ना जो पास द टेबल पास द बॉक्स है, सर प्लीज मुझे बता दो, मुझे समझ नहीं आया. पास द टेबल इज अ पास द बॉक्स. पास द बॉक्स. हाँ जी सर. पास द बॉक्स मीन्स कि वो उसको गुजर के चली गई बॉल. सर एक बार और रिपीट कर दो, मेरे पास आपकी वॉइस नहीं आई. सो बॉक्स जो है बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप गुजर के चले जाएंगे तो उसको पास द बॉक्स भी बोल सकते हैं. पास द ऑब्जेक्ट जो भी होगा कि वो गुजर के चला गया, ठीक है ना, निकल गया वहां से. ओके ओके सर. थैंक यू सर. वेलकम सर. यस प्लीज. सर अबव द मीनिंग दस्यो. अबव मीन्स ऊपर. द गॉड इज अबव ऑल. परमात्मा सब तो यू नो ऊपर है, वड्डा है, सब तो उच्चा है.
So above is that, above the table, sky is, you know, above, upar di taraf. So above basically direction upar di taraf dinda hai. ठीक है. सर यस प्लीज. सर अगर बॉल अपने नीचे फेंकते हैं एंड सर वो बॉक्स के बीच चली जाती है सर देन केडी प्रपोजिशन लगती बॉक्स के अंदर इनसाइड द बॉक्स बॉक्स के अंदर चली गई इन द बॉक्स. ठीक है तो इन्हें रिवाइज कर लियो यू विल कम टू नो. सो बहुत छोटी छोटी चीजें ने. हाँ जी. So what's the difference between past the box and through the box? देखो थ्रू है किसी चीज चो गुजर के जानू कहते हैं. थ्रू मीन्स किसे तुसी सिचुएशन चो गुजरे हो कोई ऑब्जेक्ट किसे होर ऑब्जेक्ट दे विच दी गुजरिया है. पास इज अ डिफरेंट थिंग. पास साइड तो भी हो सकता है के पास बाय द लेक. ठीक है मैं वॉक कर रहा सी मैं लेक दे साइड तो गुजर के हूँ मैं लेक दे विच तो नहीं जाके उते वॉक कर सकता ना. सो आई कैन नॉट गो थ्रू द लेक सो आई हैव टू पास बाय. गॉट इट. यस सर थैंक यू. सो लेक दे साइड तो गुजरांगे अपा लेक तो लेक दे विच दी तो नहीं अपा जा सकते ना. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. ओके सो असी कुछ एडवर्ब करांगे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेक्स प्लेस. तो वीडियो शो नहीं हो रही. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. An adverb of frequency tells us how often something takes place. Adverb of frequency ki cheez hai dasti hai sanu ki keda kaam kinne baar hoya kadon hoya aur kinne kinne time baad hunda hai. 100% always. I always wake up at 6 o'clock. Percent usually. I usually come home after work. Normally, generally. I normally swim after school. Often, frequently. I often spend Christmas with friends. Sometimes. I sometimes play tennis on the weekend. Occasionally. I occasionally eat Vietnamese food. Seldom. I seldom go to the library. Rarely.
I rarely listen to the radio. Never. I never listen to rock music. So basically, these all are the adverb of frequency. 100% के ऐसी always ये कम करते हैं, ठीक है? I always wake up at 6 o'clock. कि मैं रोज 6 बजे उठता हूँ. Usually means कि मैं ये करता हूँ. Usually I usually come home after work. कि एक routine है, ठीक है? और normally, often, वैसे जो 80 तो लेके, I would say 70 तो लेके 90 तक तुसी कुछ भी यूज कर लो, इट विल बी फाइन. जेड़ा की काम तुसी रोज कर दे हो, सो यू कैन से आई ऑफन डू दिस, आई फ्रीक्वेंटली. परसेंटेज सिर्फ समझान वास्ते दिती गई है, सो इट बेयरली मैटर्स कि असी इदा ही मतलब नहीं कि तुसी पहला अपने आप नू असेस करना कि किन्ने परसेंट है. नो, दीज आर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. हुन नेवर मीन्स कदे भी नहीं आई नेवर लिसन टू रॉक म्यूजिक. हुन रेयरली 5% तो लैके 50 तक मैं ये कहूँगा कि तुसी ओकेजनली यूज कर सकते हो. कि जिहड़ा काम तुसी कदी कदी कर दे हो रेयरली. सर योर वॉइस इज वेरी लो. सॉरी, इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर. यस सर, इट इज ऑडिबल. सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि नेवर मीन्स कदे भी नहीं. पांच तो जिहड़ी चीज तुसी कदे कदे करदे हो उसनू तुसी ओकेजनली कर सकदे हो. और आई रेयरली डू दिस वर्क. रेयरली और ओकेजनली दे विचों कुछ भी यूज कर सकदे हो, सम टाइम भी यूज कर सकदे हो. जिहड़ी चीज तुसी रेगुलर बेसिस ते करदे हो, दो तीन दिन बाद या 3 times a week, सो यू कैन से ऑफन, फ्रीक्वेंटली, यूजली, ठीक है? जिहड़ी चीज तुसी रोज करदे हो, जस्ट कीप इट ऑलवेज, जस्ट टू सिंपलीफाई. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ. ਓਕੇਜਨਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਕਹਿ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਵਿਲ ਡੂ ਵਿਲ ਸੀ ਮੋਸਟ 50 ਮੋਸਟ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ, ਦ 50 ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼. सो वर्ब्स, बेसिक वर्ब्स केड़ियां ने, उदियां फॉर्म्स की ने, वो आप डिस्कस करांगे. The 50 most common irregular verbs. Base form. Past simple, participle, awake, awoke, awoken, be, was or were, been. Blow, blew, blown. Build, built, built. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Dream, dreamt, dreamt. Now, these are
इररेगुलर वर्ब्स इन्हां नूं क्यों कहा गया है कि इन्हां दे पिछे ईडी नहीं लगता, ईडी सारिआं दे मगर नहीं लगता। सो असी देखते सी पहला कि बेसिक फॉर्म दे विच जदों असी सैकेंड या थर्ड फॉर्म बनाने हैं तो बहुत सारी वर्ब्स दे पिछे ईडी लग जाता। हुण ये ड्रीम है, ड्रीम नूं फिर ड्रीम्ड नहीं कहांगे, ड्रैम्ड। सो इदां ही चूज, चोज, चोजन। इररेगुलर वर्ब का मतलब यही है कि इन्हां दी जिहड़ी फॉर्म है वह इररेगुलर है। सो कुछ वर्ब्स ने जिहड़ियां इदां ने, बाकी बहुत सारिया वर्ब्स है जिहड़ियां पास्ट दे नाल ईडी ईडी दे नाल ही सैकेंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। अवेक, अवोक, अवोकन, बी, वाज, वर और बीन। इदां ही बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। पास्ट और पार्टिसिपल दोनों सेम ने। सो इदा दियां सारियां इररेगुलर वर्ब्स इहदे विच आणगियां। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट, एट, ईटन। फॉल, fell, fallen. Fight, fought, fought. Fly, flew, flown. Freeze, froze, frozen. Grow, grew, grown. So I would also recommend ki idi pronunciation te bhi tusi dhyan dena hai. Kis tarah isnu pronounce kita ja raha hai, make sure you adopt this way. Hear, heard, heard. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Leave, left, left. Lend, lent, lent. Lose, lost, lost. Pay, paid, paid. Quit, quit, quit. Read, read, read. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Fine. Thank you.
common mistakes in English? Common mistakes in English. Incorrect. Correct. So basically, we will discuss the common mistakes. Jadi aap aam bolde time kar jande hain par sanu bhi pata nahi lagta. So oh cheeza assi dekhange ki mostly common mistakes kehdiyan ne. These are 120 grammatical errors jinhan nu tusi note karna hai and avoid karna hai. Thanks for giving me useful advices. Thanks for giving me useful advice. I have never tried on so a nice dress. I have never tried on such a nice dress. Bill's no afraid to express his opinions. Bill's not afraid to express his opinions. The manager and the secretary was out. The manager and the secretary were out. He has three son-in-laws. He has three sons-in-law. I looked at me in the mirror. I looked at myself in the mirror. She is taller compared to me. She is taller than me. The shop is opened every day. The shop is open every day. So these are the common mistakes. Thanks for giving me useful advices. Advices nahi aayega, advice aayega. I have never tried on so a nice dress. So mostly students so jada hai wo lagai dende ne. So we will not use so word. So ek frequency show karda hai kisi cheez nu, but it is not the appropriate word at every place. I have never tried on such a nice dress. Kisi dress nu ya kisi scenic beauty nu describe karna hove ta such lagane se. Bill no afraid to express his opinion. No one not aega full form. The manager and the secretary was out. Dekho do jane hai. Was nahi aana, var aega. He has three son-in-laws. So basically three aagya sons hona chahiye. In-law is a different word, but tin son-in-laws sons hoega. I looked at me in the mirror. I looked at myself. She's taller compared to me. Compared nahi aega. Then आएगा किसी चीज का ऐसी अगर comparison कर दे हाँ human beings का या we use then. The shop is opened every day. The shop is open every day because रोज open होती है opened नहीं आएगा. You like ice cream, isn't it?
You like ice cream, don't you? How much is the temperature? What is the temperature? Why don't stay more time here? Why don't you stay a little longer? Lillian is living far away with China. Lillian is living far away from China. I can't get over how you look well. I can't get over how well you look. So, agar assi kise nu vi puchna hove haal chal, so how are you this week? That is a wrong sense. How have you been this week? Are you a seller, Jane? Are you a salesman? Seller nahi aayega, salesman aayega. Which kind of that car? Which type of car is that? You like ice cream, isn't it? You like ice cream, don't you? So don't you aayega, isn't it nahi aayega. How much is the temperature? Kadhi bhi nahi hunda. How much we cannot say. It is what is the temperature? Ki kinna hai temperature. Why don't you stay more time here? Why don't you stay a little longer? Thoda samay kyun nahi tusi hor ruk jande. Lian is living far away from China, not with China. I can't get over how you look well. I can't get over how well you look. Don't step in the grass. Keep off the grass. Why do you need $100? Why do you need $100? Oh, I got it. Please persuade him, don't do that. Please persuade him not to do that. Don't pretend to not recognize me. Don't pretend not to recognize me. So not to baad he to aayega. More people today die of the cancer. More people today die of cancer. The nahi aayega because the cancer jada hai ek koi universal ya wo cheez nahi hai. So we will not use the. I often go to the theater on the weekend. I often go to the theater on the weekend. Linda's work is more perfect than Jamie's. Linda's work is better than Jamie's. Either of the plans are equally dangerous. Either of the plans is equally dangerous. Either aagya, that means either or. Ek cheez discuss ho rahi hai. Plural nahi hai, is singular hai. So singular di gal hoegi ta, jithe either hoega, usnu singular verb bhi represent karegi. Don't step in the grass. Ki grass te pair na rakho. So keep off the grass. Kis to dur raho. This is the right way to say. Who cooked this salad? Who made this salad? Salad cannot be cooked. So who made this salad? Be careful or you'll have a cold. Be careful or you'll catch a cold.
Do you have any pencil? Yes, I have it. Do you have a pencil? Yes, I have one. It is not of only your business. It is none of your business. Only I and my friend were at the concert. Only my friend and I were at the concert. I felt good mood today. I am in a good mood today. He made a world record. He set a world record. He is our common friend. He is our mutual friend. The class's students are 55. There are 55 students in the class. My watch doesn't move at all. My watch isn't running. Any doubt? Sir, what is No, sir. Okay. No, sir. All right. So, jis nu doubt hai, one by one, puch sakde ne. Yes, please. Any doubt? Any doubt, anyone? No, sir. Okay. All clear? No, sir. No, sir. Okay, so main bas inna nu describe bhi kar dena. So be careful or you will have a cold. Have means basically kisi cheez nu prapat karna ya sikhan waste bhi have use karde hain. So cold waste have kadi nahi use hunda. Cold waste catch use hunda. So be careful or you will catch a cold. Do you have any pencil? Any pencils nahi? A pencil aayega? Yes, I have one. It is not of only your business. It is none of your business. Jadon koi tuhadi gal de vich step in karan di koshish kare ya jis da koi concern nahi na hove, aap us nu keh sakde ha, it is none of your business. Only I and my friend were at the concert. So ek wrong only my friend and I. So assi apne aap nu represent kar rahe hain, agar third place te ta pehla my friend aayega. I felt good mood today. That is a wrong sense. I am in a good mood today. He made a world record. World record kadi banaye nahi jande, set kite jande ne. He set a world record. His our common friend. Common di jagah assi use karde hain mutual friend. Jis tarah Facebook ch ya Instagram utte show karde hain mutual friend. So mutual means common in common between two or three. Or with others. The classes apostrophe s pa ditti phir students are 55. That is a wrong sense. So we can say there are 55 students in the class, or there were 55 students in the class. My watch doesn't move at all. My watch isn't running. So these are the sentences. Now you have 5-6 minutes to ask any question, if there is any question.